Hello friends, welcome back to our YouTube channel Medicine Medicine. Today we are going to study an important drug of choices which is very essential and important for your competitive exams. Okay, so first we see the drug of choice for induction of labor. So for the induction of labor, the drug of choice is oxytocin. Okay, what oxytocin do? Oxytocin causes uterine contraction. ऑक्सीटोसिन क्या करता है? यूट्रेन का कॉन्ट्रेक्शन करता है. अगर यूट्रेन के कॉन्ट्रेक्शन होने की वजह से क्या होगा, जो बीबी होगा वो इजीली मदर की यूट्रस में से बाहर आ जाएगा. ओके, नाउ फॉर द एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा द ड्रग ऑफ चॉइस इज सालबुटामोल. ओके, सालबुटामोल इज अ शॉर्ट एक्टिंग बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट. ओके, वो क्या होता है? बीटा टू रिसेप्टर एगोनिस्ट मीन्स ये जो हमारा ब्रोंकस है, हमारे ब्रोंकस पे बीटा टू रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं. जब भी हम इस बीटा टू रिसेप्टर को स्टिम्युलेट करेंगे तो वो क्या करेगा? दे कॉसेस ब्रोंको डायलेशन. व्हाट बीटा टू रिसेप्टर डूइंग इन अवर ब्रोंकस? दे कॉसेस ब्रोंको डायलेशन. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज सालबुटामोल इन द एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा. नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हाइपरटेंशन इमरजेंसी इन प्रेगनेंसी. ओके, प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन की इमरजेंसी आ जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस इज लेबिटालोल. ओके, लेबिटालोल कौन सी ड्रग है? सो इट इज अ थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर. वो थर्ड जनरेशन बीटा ब्लॉकर है, उसकी दो एक्टिविटी है. इट ब्लॉक्स अल्फा एज वेल एज बीटा रिसेप्टर. ये दोनों को ब्लॉक करता है, अल्फा को भी एज वेल एज बीटा रिसेप्टर. थर्ड जनरेशन जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं उसमें दो ड्रग आते हैं, एक होता है लेबिटालोल एंड सेकेंड इज कार्बिडोलोल. कार्बिडोलोल इज अ ड्रग दैट वी आर मेनली यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यस इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. ओके, क्रोनिक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम कार्बिडोलोल यूज करते हैं. नाउ सेकेंडली द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रोनिक गाउट. अगर पेशेंट को क्रोनिक गाउट है, ठीक है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? तो दैट इज एलोप्यूरिनोल. ओके, अब एलोप्यूरिनोल क्या होता है? एलोप्यूरिनोल कौन सी क्लास का ड्रग है? सो इट इज अ जेंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर. ओके, वो जेंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट कर देगा जिसकी वजह से यूरिक एसिड बनेगा नहीं, और यूरिक एसिड बनेगा नहीं तो गाउट का पेशेंट ट्रीट हो जाएगा. ओके, सेकेंडली द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायास्थेनिया ग्रेविस. सो मायास्थेनिया ग्रेविस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो दैट इज नियोस्टिग्मिन. ओके, नियोस्टिग्मिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मायास्थेनिया ग्रेविस. अब मायास्थेनिया ग्रेविस क्या होता है? सो इट इज एन ऑटो इम्यून डिसीज. ये कैसी डिसीज होती है? ऑटो इम्यून. ठीक है, ये इसमें क्या होता है कि देयर इज एन वीकनेस इन अवर स्केलेटल मसल. इसमें जो स्केलेटल मसल होती है उसमें वीकनेस आ जाती है. ओके, सो ड्यू टू दिस रीजन हमारे जो मसल्स होते हैं वो काम ढंग से नहीं कर पाते. सो हम उस समय पेशेंट को कौन सी ड्रग देंगे? दैट इज नियोस्टिग्मिन. ओके, नियोस्टिग्मिन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन मायास्थेनिया ग्रेविस. नाउ फॉर द पैरासिटामोल पॉइजनिंग द ड्रग ऑफ चॉइस इज यस दैट इज एन एसिटाइल सिस्टीन. ओके, पैरासिटामोल पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एन एसिटाइल सिस्टीन होता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है. ओके, एंड एन एसिटाइल सिस्टीन इज ऑल्सो म्यूकोलैटिक एजेंट. मीन्स वो हमारे म्यूकस को तोड़ता है. ठीक है, ये ड्रग को हमने कोरोना के टाइम में भी काफी यूज किया हुआ है. ठीक है, एज ए म्यूकोलैटिक एजेंट. नाउ अनदर ड्रग ऑफ चॉइस इज फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग इज फाइसोस्टिग्मिन. ओके, फाइसोस्टिग्मिन को हम यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ एट्रोपिन पॉइजनिंग. नाउ इन द बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग वी यूज फ्लुमेनजेनिल. ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग. ओके, फ्लुमेनजेनिल वी यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग. ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आए हैं. ओके, सो इसको हमेशा याद रखना है दैट बेंजोडाइजेपिन पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इज फ्लुमेनजेनिल. ओके, द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आयरन पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? तो दैट इज डेक्सफेरोक्सेमाइन. दैट इज डेक्सफेरोक्सेमाइन. ऐसे तो आयरन के काफी सारे हेल्थ बेनिफिट्स है दैट वो अनिमिया को ट्रीट करने के काम आता है. ठीक है, हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाता है, फटीग को कम करता है. ठीक है, और भी उसके काफी सारे यूजेस है. बट अगर आयरन का लेवल हद से ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उसकी टॉक्सिसिटी हो गई. सो उस टॉक्सिसिटी में हम क्या देंगे? ड्रग दैट इज डेक्सफेरोक्सेमाइन. ओके, नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एल्कोहल पॉइजनिंग इज फोमीपिजोल. ओके, हम अल्कोहल पॉइजनिंग में कौन सी ड्रग देते हैं? फोमीपिजोल. अल्कोहल पॉइजनिंग में जनरली हम इंक्लूड करते हैं इथाइल पॉइजनिंग.
ठीक है, मींस ऐसी पॉइजनिंग जो इथेनॉल से हो, ठीक है। अगर मिथाइल पॉइजनिंग होगी किसी पेशेंट को, मिथाइल पॉइजनिंग, ठीक है। अब मिथाइल पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो दैट इज इथेनॉल, ओके। एंड इथाइल पॉइजनिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, तो दैट इज फॉर्मीपैसल, ओके। सो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नाउ अगर किसी पेशेंट को कैल्शियम से पॉइजनिंग हो गई, कैल्शियम क्या एक मेटल है, ठीक है, तो उससे पॉइजनिंग होगी तो हम क्या करेंगे, सो वी गिव EDTA, ठीक है। ये EDTA क्या होता है, ये एक चिलेटिंग एजेंट होता है। ये क्या करता है, मेटल के साथ एक चिलेट फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से मेटल का एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो जाता है, ओके। नाउ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉपर पॉइजनिंग, द ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलामाइन, ओके। उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, पेनिसिलामाइन। अब पेनिसिलामाइन इज ऑल्सो ड्रग ऑफ चॉइस फॉर विल्सन्स डिसीज, ओके। विल्सन्स डिजीज के लिए भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है, पेनिसिलामाइन, ओके। अब कॉपर पॉइजनिंग में क्या होता है, जैसे कि पेशेंट को चील्स, फीवर, पेन, ओके, इन माउथ में मेटालिक टेस्ट हो जाता है, कन्वल्शन, वीकनेस आ जाती है, ठीक है, लीवर में उसका लीवर का फंक्शन मतलब कम हो जाता है, हिपेटोटॉक्सिसिटी हो जाती है, ओके, किडनी में अंदर यूरिन का प्रोडक्शन रुक जाता है, इंटेस्टाइन में डायरिया हो जाता है, ऐसे बहुत सारे इसके कॉम्प्लिकेशन होते हैं कॉपर पॉइजनिंग। सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कॉपर पॉइजनिंग इज पेनिसिलामाइन, ओके। नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक, ये तो बहुत बहुत मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है और आगे भी आएगा ही आएगा। सो द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एनाफाइलेक्टिक शॉक इज एड्रेनालिन, और वी कैन से दैट इज एपिनेफ्रिन, ओके। अब हम एपिनेफ्रिन देते हैं पेशेंट को, तो एपिनेफ्रिन हम कौन से डोज में देंगे, यस इट इज 1:10,000 वी गिव बाय IM रूट, हम इंट्रामस्कुलर रूट से पेशेंट को देते हैं एनाफाइलेक्टिक शॉक। देन द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट गाउट, किसी पेशेंट को अगर एक्यूट गाउट हुआ है, ठीक है, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो दैट इज एनसेड, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। हम गाउट, एक्यूट गाउट में सारे एनसेड दे सकते हैं एक्सेप्ट, यस ये मैंने लेक्चर में समझाया, एक्सेप्ट पैरासिटामोल एंड एस्पिरिन, ओके। अब एस्पिरिन क्या करता है, एस्पिरिन सेल्फ कॉसेस हाइपर यूरी सीमिया, ठीक है, हमको गाउट के पेशेंट के अंदर तो यूरिक एसिड का लेवल कम करने का होता है, लेकिन एस्पिरिन क्या करता है, वो खुद ही यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम अब एस्पिरिन यूज नहीं करते इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट। और पैरासिटामोल का कोई भी एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन नहीं होता है, क्योंकि गाउट में क्या होता है, देयर इज इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स, लेकिन पैरासिटामोल का कोई एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी होती नहीं, दैट्स व्हाई पैरासिटामोल इज नॉट वर्क इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ओके। नाउ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर GERD मींस गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, दैट इज PPI, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, ओके। प्रोटोन पंप इनहिबिटर GERD के मैक्सिमम डिसऑर्डर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है, मींस ये सबसे इफेक्टिव ड्रग्स होते हैं, ओके, रिमेंबर इट, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स आर द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग इन ऑल GI कंडीशंस। नाउ अब नेक्स्ट, फॉर कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग, कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग हुई कोई पेशेंट को, ठीक है, तो हम उसको कौन सी ड्रग देंगे, सो वी गिव ऑन्डेंसेट्रॉन, ग्रैनिसेट्रॉन, ओके, ये सारे हम ड्रग देंगे। वो ये ड्रग का मैकेनिज्म क्या होता है, सो दे आर 5-HT3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है, वो 5-HT3 के रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जिसकी वजह से वॉमिटिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अब कीमोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग हो या तो रेडियोथेरेपी इंड्यूस वॉमिटिंग हो, किसी के भी वॉमिटिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस हमेशा ऑन्डेंसेट्रोन रहेगा, ओके। अगर किसी पेशेंट को लेट वॉमिटिंग हो रही हो, मींस कीमोथेरेपी में टू टाइप की वॉमिटिंग होती है, होती अर्ली और एक होती लेट। अर्ली वॉमिटिंग के लिए ऑन्डेंसेट्रोन इज ड्रग ऑफ चॉइस, पर फॉर लेट वॉमिटिंग वी गिव ड्रग लाइक एप्रीपिटेंट, ओके। अब हम इसके नाम से पता कर सकते हैं दैट इट इज अ सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट, एप्रिपिटेंट क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट, ओके। नाउ फॉर डिजिटलिस्ट टॉक्सिसिटी वी गिव ड्रग दैट इज डिजीबैंड। अब डिजीबैंड क्या होता है, सो डिजीबैंड इज नथिंग बट इट इज अ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। डिजीबैंड क्या होता है, ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है, ठीक
ठीक है, ये क्या करता है डिजीबाइंड, ये डिजीबाइंड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया हुआ है, ठीक है। वो क्या करते हैं, जहाँ पे डिजिटलिस अपने जहाँ पे डिजिटलिस एक्शन शो करता है उसका, उधर जाके वो क्या करेंगे, बाइंड हो जाएंगे, जिसकी वजह से डिजिटलिस उधर बाइंड नहीं हो पाएगा उसके रिसेप्टर पे, और डिजिटलिस की टॉक्सिसिटी भी ट्रीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस दैट इज मस्ट आस्किंग योर एग्जाम। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।